हेलो स्टूडेंट, ये लेसन 70 द विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी का ये है। एक्सरसाइज ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड स्टेट एंड कंट्री। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरी विलेज इन इंडिया हैज ए डिस्ट्रिक्ट कार्ड, विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपल्टी। तो एवरी विलेज इन इंडिया हैज ए विलेज पंचायत। तो यहाँ हम ऑप्शन सेकेंड विलेज पंचायत पर टिक करेंगे और थर्ड इसको। थर्ड नंबर पे है द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत इज कॉल्ड, ऑप्शन फर्स्ट सरपंच, मेयर एंड काउंसलर। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सरपंच पे हम टिक करेंगे। द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। द म्यूनसिपल काउंसलर इलेक्ट देयर हेड ऑफ कॉल्ड मेयर, सरपंच एंड चेयरमैन। तो क्या कराते हैं, चेयरमैन पे हम टिक करेंगे। फिफ्थ नंबर पे है द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड प्रधान, कॉरपोरेटर एंड मेयर। तो हम थर्ड मेयर पर टिक करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है द पंचायत इज लोकल सेल गवर्नमेंट इन द विलेज ऑफ इंडिया। सेकेंड है पंचायत मीन्स ए बॉडी ऑफ 5 पर्सन। थर्ड है द पंचायत सेटल्स स्मॉल डिस्प्यूट्स एमंग द विलेजर्स। फिर है द नंबर ऑफ म्यूनसिपल काउंसलर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। एंड फिफ्थ है द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। ट्रू, एवरी पर्सन हु इज 28 ईयर्स और एबव हैज ए राइट टू वोट। फॉल्स, द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कम्युनिटीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। फॉल्स, द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। ट्रू, एंड द स्टेट गवर्नमेंट गिव फंड्स टू द विलेज पंचायत। फॉल्स। फिर हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन, लेसन 17 का क्वेश्चन से देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो आंसर है ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, ए सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्वेश्चन नंबर राइट एनी 5 फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। आंसर है फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, द पंचायत लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज। द पंचायत लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द विलेज। सेकेंड है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड एंड स्ट्रीट्स। सेकेंड है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड एंड स्ट्रीट्स। थर्ड है लाइटिंग ऑफ द स्ट्रीट्स एंड रोड्स। फोर है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। एंड फिफ्थ है एजुकेशन फॉर एडल्ट। एडल्ट मीन्स क्या होता है, वयस्क, मतलब बड़े लोग की जो शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायत, हु इज कॉल्ड सरपंच। पंचायत क्या होता है, पंचायत मीन्स ए बॉडी ऑफ 5 पर्सन। पंचायत मीन्स ए बॉडी ऑफ 5 पर्सन, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड ए पंच। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड पंच। द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच या प्रधान। सरपंच और प्रधान, ठीक है। पंचायत क्या होता है, पंचायत मीन्स क्या होता है, पंचायत मीन्स होता है ए बॉडी ऑफ 5 पर्सन,
ईच ऑफ देम इज कॉल्ड ए पंच. द हेड ऑफ ए ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच और प्रधान. सरपंच या प्रधान. वाई डू द मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली. वाई डू द मेम्बर्स ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली. मतलब क्या है कि जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो आपस में मतलब बराबर क्यों मिलते रहते हैं. तो आंसर है द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली टू प्लान स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज एंड टू लुक आफ्टर द नीड्स फॉर द पीपल. जो वो मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत को बराबर क्यों मिलते हैं. वो इसलिए मिलते हैं कि वो जो है प्लान और कोई स्कीम तैयार कर सके जिससे गांव का कल्याण हो. गांव के कल्याण के लिए स्कीम और बराबर और जो है लोगों की क्या आवश्यकता है उसके लिए लोग बराबर मिलते रहते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूनसिपलिटी. हु आर म्यूनसिपल काउंसलर. तो आंसर है इन ए टाउन देर इज ए म्यूनसिपलिटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल एंड द मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल कम्युनिटीज आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स. ठीक है. इन ए टाउन देर इज ए म्यूनसिपलिटी टू लुक